हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर का, उस पर दो क्वेश्चन किए थे, ठीक ना। आई होप सभी समझ गए होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डीसी जनरेटर के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमको यूज होना है डीसी जनरेटर में, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि पहला है आपका कंडक्टर। कंडक्टर कहे तो हिंदी में कहते हैं चालक। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आप यहाँ से इंग्लिश जो देख लिखा हुआ देख रहे हैं, आप घबराएंगे नहीं, ठीक। बिल्कुल हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं, ठीक ना। बस आप देखते जाएँ और समझते जाएँ। यहाँ पर है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है तो समझिएगा, ए लेंथ ऑफ वायर विच टेक एक्टिव पार्ट इन एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। यानी कह रहा है कि एक वायर का वैसा लेंथ, ठीक ना, वायर का वैसा लेंथ जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में हिस्सा लेता है, यानी भाग लेता है। तो देखिए, आपको हम बताए थे ना कि डीसी जनरेटर में कैसे ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसे देखिएगा, एक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, इसी में हम कंडक्टर रख के आपको बताए थे, इसी में हम क्वाइल रख के बताए थे। तो देखिए, हम क्या बताएं कि इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है ऐसे ही होता है, ठीक ना, नॉर्थ से साउथ होता है। तो आपको बताएं कि इसमें कह रहा है कंडक्टर क्या होता है, तो यानी वैसा वायर का वह भाग जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में हिस्सा लेता है। तो देखिए, तो आपका यहाँ से यहाँ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स ये टच करता है, नहीं, यह इतना ही दूर आपका एनर्जी कन्वर्जन में कंडक्टर भाग लेता है, ठीक ना। जैसे यहाँ से अगर देख लें तो ए से बी और सी से डी, यही जो कंडक्टर है यह एक्टिव पार्ट होता है एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस का, ठीक ना। तो चालक क्या होता है कि एक वायर का वह लेंथ जो एनर्जी कन्वर्जन में, ठीक ना, हिस्सा लेता है या भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। यहाँ पर सी से डी तक ये कंडक्टर हुआ, यहाँ से ए से बी तक को क्या बोल सकते हैं आप, कंडक्टर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक ना। हम सब के बारे में बारी बारी से बताएंगे कौन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, दूसरा है टर्न क्या होता है। टर्न मतलब ए टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, यानी एक कन यानी टर्न में दो कंडक्टर होते हैं। कितने, देखिए यह जो है ना एक टर्न है, क्योंकि एक जो टर्न हम यहाँ पर करे हैं तो उसमें देखिए एक ए बी कंडक्टर और एक सी डी कंडक्टर। तो ये कह रहा है कि एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, ठीक ना, कनेक्टेड टू वन एंड बाय एन एंड कनेक्टर। यानी दोनों के दोनों कंडक्टर जो है एक इंड कनेक्टर, ये है, इसको बोलेंगे इंड कनेक्टर, ठीक ना। इंड कनेक्टर के ये जो वायर है इससे दोनों कंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक ना, ये एक्टिव पार्ट होता है कंडक्टर का, ठीक ना। यहाँ से ए से लेकर इसको सी को बोलते हैं इंड कनेक्शन। क्या बोलते हैं, इंड कनेक्शन। देखिए, तो ये आपका एनर्जी कन्वर्जन में ये हिस्सा नहीं लेता है, ठीक ना। हिस्सा कौन सा लेता है, तो ए बी लेता है और सी डी लेता है, ठीक ना, जिसको आप कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए, तीसरा है आपका क्वाइल। क्या है, क्वाइल। क्वाइल क्या होता है, व्हेन सेवरल टर्न आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब बहुत सारे टर्न को सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका, क्वाइल बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसा ऐसा कितना है, एक दो तीन चार, नहीं, इस तरह से ये टर्न किए हैं, चार टर्न किए हैं, तो बोलेंगे सेवरल टर्न, मतलब बहुत ज़्यादा हम अनेक टर्न कर देंगे तो क्या बनेगा, क्वाइल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का, क्वाइल का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या है आपका, क्वाइल है, इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाइल बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब अगला है आपका वाइंडिंग क्या होता है, ध्यान देंगे। वाइंडिंग कहेंगे कि व्हेन सेवरल क्वाइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब बहुत सारे क्वाइल को सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या बनता है, वाइंडिंग बनता है। क्या बनता है, वाइंडिंग। तो देखिए, तो एक आपका क्वाइल ये है, एक क्वाइल ये है, एक क्वाइल ये है ना। तो यहाँ से देखेंगे
तीन कॉइल को किसमें जुड़ा हुआ है, देखिए सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो जब बहुत सारे कॉइल को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, वाइंडिंग कहते हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं। और देखिए अगला पॉइंट है कॉइल साइड क्या होता है, तो वन कॉइल विथ एनी नंबर ऑफ टर्न हैज टू कॉइल साइड, यानी कितना भी टर्न है किसी भी कॉइल में तो उसका दो साइड होता है। एक को बोलेंगे इधर वाला वन साइड, वन साइड उसको बोलेंगे क्या, अदर साइड यानी सेकेंड साइड, सेकेंड साइड। तो किसी भी आपका कॉइल में दो साइड होता है, एक वन कॉइल साइड और अनदर कॉइल साइड, दो एगो कॉइल साइड होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ से पांच इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझे। पहला समझे कंडक्टर क्या होता है, तो वह वायर का वह लेंथ जो एनर्जी कन्वर्जन में भाग लेता है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। जब देखिए टर्न क्या होता है, जब टू कंडक्टर को आपको इंड कनेक्टर के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, टर्न बनता है, ठीक ना। जब बहुत सारे टर्न को आपस में सीरीज जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे क्वाइल बनता है, ठीक ना। जब बहुत सारे क्वाइल को आपस में सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या बनता है, वाइंडिंग बनता है, ठीक ना। और वाइंडिंग में या किसी भी क्वाइल में आपका दो साइड रहता है, ठीक ना, जिसको क्वाइल साइड बोलते हैं। तो एक क्वाइल साइड इस साइड वाला, एक क्वाइल साइड इस साइड वाला को कहते हैं, ठीक ना। इतना तक क्लियर हुआ। अब हम चलिए आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक ना। चलिए तो क्लासिफिकेशन देखते हैं डीसी जनरेटर का। तो यहाँ लिखते हैं हम डीसी जनरेटर सबसे पहले उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ध्यान देंगे क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक ना। दूसरे को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड, क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए सबसे पहले जनरेटर को दो भाग में बांटा गया है, एक को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, दूसरे को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड। अब देखिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को तीन भागों में बांटा गया है, कितना भाग में, तीन भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ध्यान देंगे, एक को बोलते हैं सीरीज डीसी जनरेटर, क्या बोलते हैं यानी डीसी सीरीज जनरेटर, क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक ना। दूसरा होता है आपका संट जनरेटर, क्या होता है, संट जनरेटर यानी डीसी संट जनरेटर। और तीसरा होता है आपका कंपाउंड जनरेटर, क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर। ध्यान देंगे सबसे पहले हम का आपको बोले कि डीसी जनरेटर दो भाग में बांटा गया है, डीसी जनरेटर को पहले को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, दूसरे को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का तीन प्रकार होते हैं, पहला होता है डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक ना, दूसरा होता है संट जनरेटर और तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर, ठीक। अब देखिए कंपाउंड जनरेटर का दो भाग में बांटा गया है, कितना भाग में, तो दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं लॉन्ग संट, क्या बोलते हैं, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। दूसरे को बोलते हैं शॉर्ट संट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट संट बोलते हैं, यानी लॉन्ग संट दूसरा होता है शॉर्ट संट। ये दोनों किसका है, तो कंपाउंड जनरेटर का है। यहाँ से बोल सकते हैं कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर, दूसरे को बोलते हैं शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर, ठीक ना। अब लॉन्ग संट
जनरेटर को दो भाग में बांटा गया है, ध्यान देंगे इसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, ठीक ना। दूसरे को बोलते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ठीक ना। लॉन्ग शंट दो प्रकार के, एक कम्युलेटिव दूसरा डिफरेंशियल, ठीक ना। फिर शॉर्ट शंट भी आपका दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं कम्युलेटिव शॉर्ट शंट, दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल। क्या होता है? डिफरेंशियल शॉर्ट शंट। तो ये मेनली आपका डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन था, ठीक ना। कितने भागों में बांटा गया है, फिर से बोल रहे हैं कि डीसी जनरेटर आपका दो भाग में पहले बांटा गया है, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड को तीन भागों में बांटा गया है, सीरीज, शंट और कंपाउंड, ठीक ना। कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। फिर लॉन्ग शंट को दो भाग में बांटा गया है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। फिर शॉर्ट शंट को दो भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, ठीक ना। तो ये थे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम डील करेंगे बारी बारी से, सभी जनरेटर के बारे में हम समझेंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।